अभी तक का सबसे लेटेस्ट डिलीशियस की वैरायटी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी तक की सबसे हाई कलर वैरायटी भी है, जिसको कि सबसे हाई कलर इसकी थ्योरी बता रही थी। तो ये इसका सेकंड ईयर सैंपल है, लास्ट ईयर भी कुछ सैंपल आए थे लेकिन वो सेम ईयर सैंपल थे। तो वैरायटी सेम ईयर सैंपल में अपना एग्जैक्ट करेक्टर नहीं शो करती। तो ये इसका सेकेंड ईयर सैंपल है Z1 का, ये आप देख सकते हैं। ये जो सबसे डार्क इसमें कलर है अभी तक, ये आप देख सकते हैं इसमें रस्टिंग ना इनके ऊपर, विदाउट फर्टिगेशन भी इसमें कोई रस्टिंग नहीं आई है। और ग्रोथ वाइज ये काफ़ी विग्रस ग्रोथ है इस प्लांट की। तो ये आप देख सकते हैं Z1। और इसका जो सूटेबल एलिवेशन जो मैं रिकमेंड करूँगा, वो मेरे हिसाब से आप इसको 5500 से ऊपर, 5000 से ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। मैक्सिमम 7000 फीट तक, 5000 से 7000, फिर 7000 से थोड़ा सा ऊपर आप 7500 तक इसको ले जा सकते हैं। फिर वहाँ से ऊपर ये शायद हो सकता है कि साइज में प्रॉब्लम दे। तो ये 9 का फ्रूट है, 9 पे साइज थोड़ा ज़्यादा है, सीडलिंग पे सिर्फ साइज में हल्का सा साइज इससे कम होगा। बट इसका जो कलर है, इसकी जो शेप है, ये बिल्कुल नेचुरल है, विदाउट PGR है, विदाउट फर्टिगेशन है, एक दो बार इस बार ट्रिप चला है। तो ये Z1 है, 100% कलर और काफ़ी हाई कलर वैरायटी है। तो इसका जो कलर डेवलपमेंट है वो वॉलनट स्टेज के बाद ये कलर छोड़ना स्टार्ट करता है। तो एक साइड से ये लाल हो जाता है, लेकिन अंदर वाली साइड से जो है इसमें स्टिप्स में कलर आता है, तो उस वजह से इसमें साइज भी अच्छा आ जाता है। हाई कलर होने के साथ साथ ये एक अच्छे साइज वाली वैरायटी भी है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस वैरायटी का काफ़ी अच्छा लग रहा है Z1।